बागमारा में एक बार फिर बाइकर्स गैंग का तांडव देखने को मिला है। यह घटना कतरास थाना क्षेत्र के रानी बाजार की है। बाइक सवार दो युवकों ने एक महिला के गले से चैन की छिनतई की है। छिनतई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। और ये जो तस्वीर आपके सामने है वो हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। छिनतई का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है और देखिए किस तरह से छिनतई की घटना को बाइकर्स जो है वो बाइक सवार दो युवक अंजाम दे रहे हैं। एक महिला के गले से चैन की छिनतई करते हैं। देखिए अशोक का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे तमाम जानकारी लेते हैं। अशोक, बाघमारा से जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, अमूमन क्या होता है कि शहरी क्षेत्रों में अक्सर चैन छिनतई की घटना को अंजाम ये जो बाइकर्स गैंग है वो देते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर बाघमारा से भी निकल कर सामने आई है। एक महिला के सोने की चैन को इन छिनतई करने वाले बाइकर्स ने अंजाम दिया घटना को, छीन कर भाग गए। अशोक, जानकारी चाहेंगे। पूरा मामला कतरास थाना अंतर्गत रानी बाजार का है। रानी बाजार के अंतर्गत जितने भी गलियां हैं, कहीं कहीं कहा जाए तो दिन के समय में सुनसान रहती है। वो बाइकर्स गैंग के लिए कहा जाए तो एक क्रीम लेयर का बन जाता है वहां पे। तो ये जो आज जो हम लोग सीसीटीवी फुटेज जो देख रहे हैं, वहां ये देखने को मिला कि बाइकर्स गैंग पहले से वहां के खड़ा थे और जो महिला जो जिसके साथ छिनतई हुई है उनको निशाना पहले से बना के रखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रैकी भी उस महिला की हुई होगी। हालांकि महिला अपना लोक लज्जा के कारण कहे तो सामने आने के बोलने से हिचक रही थी और कहीं ना कहीं जो जितना भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं वो प्रमाण ये बताता है कि बाइकर्स गैंग का जो गिरोह है फिर से कतरास क्षेत्र में हावी हो चुका है। फिलहाल जो स्थिति बन चुकी है, पुलिस सीसीटीवी के आधार पर खंगालना शुरू कर दिए कि आखिर मामले के पीछे, घटना के पीछे किसका हाथ और किन लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि लंबे समय से वहाँ बाइकर्स गैंग जो है खड़े हैं, बाइकर्स जो भी बाइक पर सवार दो अपराधी हैं खड़े, ये सबसे बड़ी मुद्दा ये मामला कहा जा सकता है। पूरे जितना भी घटनाक्रम में है ये बड़ा दृष्टिकोण भी है कि एक लंबे समय से वहाँ लोग खड़े हैं। बिल्कुल, और पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर उन अपराधियों तक, उन चैन स्नेचर्स तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जो इस तरह से दिन दहाड़े सड़कों पर चलते हुए महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनके गले से सोने की चेन खींचते हैं और फिर रफ चक्कर हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अशोक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।